हाय फ्रेंड्स, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मरल फार्मिंग में ये स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके पास सीड कितना भी हो, आपके पास जगह कितना भी हो, आपके पानी की क्वालिटी कितनी भी हो, ठीक है, ये स्टेप अगर तुम फॉलो नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर आपको रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। प्रोडक्शन आपका जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं आएगा, 50% भी कम होगा और उससे भी ज़्यादा कम भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और ये मेथड का नाम है ग्रेडिंग दोस्तों, ठीक है। मरल फार्मिंग में ग्रेडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर ग्रेडिंग नहीं करते हैं तो आपको एंड ऑफ द ईयर प्रोडक्शन नहीं आएगा, ये एक बात ध्यान में रख के चलिए दोस्तों। दूसरी मछली में आपको ग्रेडिंग करें या नहीं करें चलेगा, मगर मरल फार्मिंग में आपको ग्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। ग्रेडिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ग्रेडिंग क्या है, ये कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम डिटेल वन बाई वन देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। ग्रेडिंग ये है कि अगर समझो कि आपके पास 1000 बच्चा है, उसमें थोड़े समझो कि 500 बच्चे का साइज़ है 50 ग्राम्स और 100 बच्चों का साइज़ है 100 और बाकी का 400 है एक 300 ग्राम, ठीक है। तो ये सारे तीन साइज़ की मछलियों को ना आपको एक जगह नहीं रखना है, ठीक है। अगर एक जगह रखते हैं तो क्वेश्चन रह जाता है कि क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप एक जगह तीन साइज़ के बच्चों को रखेंगे तो बड़ी साइज़ की मछली है ना छोटी साइज़ मछली को खा भी जाएगी, और बड़ी साइज़ मछली छोटी साइज़ मछली जो खाती है दाना वो दाने पे भी अटैक करके वो दाने को भी खा जाएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ नहीं आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। बड़ी साइज़ की मछली छोटी साइज़ की मछली को खा जाएगी और छोटी साइज़ के खाने को भी खा जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो जब क्या होता है, फार्मर यूजुअली क्या करता है, हमारे एक सब्सक्राइबर भैया है वो बोल रहे थे कि मैंने 4000 बच्चा लाया और 500 गज के पॉन्ड में डाल दिया, नेचुरल पॉन्ड में, मुझे तो पहले मछली दिखती थी, अब तो मुझे मछली ही नहीं दिख रही। कैसे दिखेगी दोस्तों, बड़ी जब साइज़ बढ़ जाता है तो छोटे बच्चे को खाने लगती है, बाकी में वो छोटे बच्चे के खाने को भी खाने लगती है। जब दाना नहीं मिलता है तो क्या होता है, यूजुअली मरल छोटी हो जाती है, छोटी रहने के साथ साथ उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलता है तो उसका क्या होता है, बीमार हो जाती है दोस्तों, ठीक है। बीमार होगी तो मर भी जाएगी, ठीक है। तो ये सिनार में आपको बच्चा भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप ये सारी बातें ध्यान में रख के चलेगा मरल फार्मिंग में ये सारी बात। तो दोस्तों, ग्रेडिंग ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट टास्क है। फार्मर्स इन बातों को ध्यान में नहीं रख के ना क्या करते हैं, लेकर के ना 10,000 मछली 20,000 मछली लेकर के नेचुरल पॉन्ड हो या टैंक में डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं टैंक कल्चर को तो मैं इंकरेज नहीं करता हूँ। टैंक में ना आपको मछली को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सॉइल नहीं रहता और पानी भी वहीं पर रुका रहता है, ठीक है, फिल्टर नहीं होता है वहाँ पे, तो मैं इंकरेज नहीं करूँगा। तो ग्रेडिंग आप समझ पे होंगे, ग्रेडिंग क्या है, आपको सेम साइज़ की मछली, सेम साइज़ माने वो वेट हो और हाइट हो, ठीक है, वेट और उसका लेंथ भी, ठीक है, जो उस पर डिपेंड करके ना आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा। सेम साइज़ की मछली को छांटना पड़ेगा, छांट के ना आपको अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग जगह में रखना पड़ेगा। अगर आपके पास 100 गज़ का नेचुरल पॉन्ड है, मड पॉन्ड, तो उसमें ना आप केज कल्चर रखिएगा। केज कल्चर क्या होता है, 100 गज़ को ना 5 गज़ और 5 गज़ और 10 गज़ और 20 गज़ ऐसा डिवाइड करते जाइए, ठीक है। अगर आपके पास 5 गज़ है, 5 गज़ की ज़मीन में आप 2000-3000 भी ज़ीरो साइज़ का बच्चा डाल सकते हैं, ठीक है। तब आप एक महीने के बाद ना आप फिर से ग्रेडिंग करिए, ठीक है। वो 5 गज़ के बच्चे, 5 गज़ के एरिया से ना आपको 2-3 हज़ार के बच्चे को ना फिर से ग्रेडिंग करना है। ग्रेडिंग करके उसमें से बड़ा बच्चा जो रहता है, सबसे बड़ा, वो सारे बच्चों को अलग और एक 5 गज़ में डालिए, छोटे साइज़ के बच्चों को उसी में रहने दीजिए। अगर मूव करते हैं तो भी अच्छा है, आपको पानी अगर बदलता है तो अच्छा है, एक ही एरिया में आप केज कल्चर रखते हैं। अगर आपके पास केज कल्चर नहीं है, सीमेंट का टैंक है छोटा वाला, जैसे आपको ये वीडियो में देखा होगा आपने, तो सीमेंट छोटा सीमेंट टैंक में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, मगर सीमेंट टैंक में ना मरल की ग्रोथ कम होती है और मरल को इन्फेक्शन आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो वाटर प्लांट मैंने बताया था जलकुंभी, और वो भी और नेचुरल तरीके में
और आपको ग्रेडिंग करते रहना है, और हर 20 दिन में आप ग्रेडिंग करें तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे दोस्तों, ठीक है। ग्रेडिंग हर 20 दिन को एक बार करेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। और एक साइज़ की मछली को एक जगह रखेंगे, इसी को ग्रेडिंग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आप बिना ग्रेडिंग के मरल में आपको रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। और ग्रेडिंग के साथ साथ आपको ये बात ध्यान रखना है कि सारी मछली को ना आपको सब बराबर में खाना मिल रहा है नहीं, ये बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आपके पास मछली है, समझो कि बड़ी मछली भी है आपके एक ही एरिया में, छोटी मछली भी है, तो बराबर खाना मिल रहा है तब भी आपको ग्रेडिंग करना है, ठीक है। छोटी मछली भी अच्छा खाना खा रही है और बड़ी मछली को भी दाना मिल रहा है, तब भी आपको ग्रेडिंग करना है दोस्तों, ठीक है। तब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे साइज़ को देख के ग्रेडिंग किया जा रहा है। स्क्रीन पे आप अच्छा ध्यान से देखिए दोस्तों, छोटी मछली को अलग कर रहे हैं, बड़ी मछली को अलग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जो जैसे हमारे सब्सक्राइबर भैया फेस किए थे वैसे प्रॉब्लम में आप ना गिरिए, ठीक है। 2-3 हज़ार बच्चा लाइए और 400-500 गज के नेचुरल पॉन्ड में डालेंगे, बाद में वो बच्चा गायब हो जाएगा, बाद में शिकायत करेंगे कि भैया बच्चे का क्वालिटी अच्छा नहीं है, ठीक है, और मेरे पॉन्ड का क्वालिटी अच्छा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होंगे दोस्तों, ठीक है। आपको इतना परेशान नहीं होना है, आपको छोटे एरिया में करिए फार्मिंग जब भी करते हैं, और छोटे टैंक में भी कर सकते हैं, और टैंक से भी बेहतर है नेचुरल मड पॉन्ड, ठीक है। मड पॉन्ड में ना आपको चारों ओर से आपको जाली लगाना है, छोटी सी जाली मिल जाएगी आपको, 4 गज 5 गज के लिए तो बहुत बड़ी जाली की आवश्यकता नहीं है। चार साइड में भी जाली लगाइए और नीचे की साइड में भी, जैसे मछली भाग ना पाए, ठीक है, मछली बाहर निकल ना पाए, उसको एक केज कल्चर कहते हैं दोस्तों। 5 साइड से वो एरिया बंद रहता है, जाली रहती है, पानी उसमें से मूव होता है, ठीक है, और मछली की वेस्टेज भी उसमें से मूव हो जाती है नेचुरल मड पॉन्ड में, ठीक है। तो आपको ऐसे केज कल्चर वाला फार्मिंग करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएंगे। और आपको जब भी ग्रेडिंग करते हैं ना दोस्तों, तो उसका काउंट भी आपको नोट करना पड़ेगा, कितनी मछली मरी है, कितनी मछली बची है वो पर्टिकुलर केज में, तो ये नोट करना पड़ेगा। नहीं तो आप 10,000 मछली डालेंगे, एंड ऑफ द ईयर आप बोलेंगे कि भैया मैंने इतने डाला, इतना क्यों निकला, कहाँ गया बाकी का, तो आपको पता चलेगा मरी है तो ऊपर आ जाएंगी, अगर बड़ी मछली है तो मरी मछली को खाएंगी, या फिर चोर है आसपास में तो वो भी चोरी करके ले जाने के चांसेस रहते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर भैया बोल रहे थे कि भैया मेरा पॉन्ड बहुत दूर है सिटी के, बहुत दूर है, गांव में जंगल में रहता है, तो वैसे एरिया में मैं कैसे मछली को चोरी से रोकूं। तो ये ऐसे क्वेश्चन राइज होंगे तो दोस्तों अब इसका सोल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। मछली चोरी कैसे रोकेंगे आप, एक कुछ फेंसिंग वगैरह डालिए, सीसी कैमरा लगाइए, ठीक है, 1000-2000 में आजकल सीसी कैमरा मिल जाता है, ठीक है, और वाईफाई का भी सीसी कैमरा मिल रहा है आजकल, ठीक है दोस्तों, आप ऐसे कर सकते हैं। और उसके साथ में ना बहुत सारे डॉग्स हैं आजकल, एक 4-5 डॉग्स रख लीजिए आपके पास, अगर आप एक इंसान को हायर करके नहीं रख सकते तो एक डॉग को रखिए और सीसी कैमरा को रख लीजिए, उसका मैक्सिमम हार्डली 500-600 खर्चा आएगा, ईयरली नहीं बोल रहा हूँ मैं, मंथली। अब वो 500-600 ईयरली तो 6000-7000 हो जाएगा, वो डॉग के लिए भी और ये कुत्ते के लिए भी और सीसी कैमरे के लिए भी, उसमें इंटरनेट भी डालना पड़ता है ना दोस्तों, वाईफाई का कैमरा अगर लगा देंगे तो, ठीक है दोस्तों। तो ग्रेडिंग आवश्यकता आप जानिए, ग्रेडिंग बिना ग्रेडिंग के आप फार्मिंग ना कीजिएगा, ठीक है। और फूड भी आपको बराबर देना है मछली को, सारी मछली को बराबर का फीड नहीं मिलता है तो फिर से उसमें साइज़ में मिसमैच होगा दोस्तों एंड ऑफ द डे, ठीक है दोस्तों। और तीसरी बात ये है कि आप उसको जो दाना देते हैं मरल को, उसमें ना आपको नेचुरल फीड ही देना है, आपको आर्टिफिशियल दाना नहीं देना है। आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि आप जो पसंद करते हैं वो दाना नहीं देना है, जो मछली जो पसंद करती है उसको देना है। मछली क्या पसंद करती है, मरल मछली नंबर वन है, मरल मछली मछली को ज़्यादा पसंद करती है, मछली ज़्यादा खाती है, ठीक है दोस्तों। नंबर टू, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मछली तो फ्री में खा लेती हो, दूसरा चिकन मटन वो भी खा लेती है, मगर चिकन मटन का कास्ट ज़्यादा होगा, तो मैंने फ्री में कैसे फीड जनरेट करना है वो प्रीवियस वीडियो में है। जो नए सब्सक्राइबर भाई हैं वो जाके मेरे प्रीवियस वीडियो देखें, सारे डिटेल्स दिया है मैंने आपको, फ्री में फिश का प्रोटीन फूड फ्री में कैसे मार्केट से फ्री में कैसे उठा सकते हैं, मैंने वो दिया है, मछली के हेड को और मछली के दुम को, उसमें प्रोटीन छुपा हुआ रहता है। थोड़े लोग क्या करते हैं ना, झींगा जो रहता है ना दोस्तों, सूखा हुआ झींगा, उसमें कुछ नहीं रहता है दोस्तों, पूरा भूसा रहता है, वो भूसे को भी मार्केटिंग कर रहे हैं दोस्तों,
से 600 किलो 700 किलो झींगा बेचेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, उसमें कुछ रहता ही नहीं ना, उसमें भूसा खा के क्या बढ़ेगी वो, ठीक है, मरल भूसा खा के क्या बढ़ेगी, उसको तो मीट चाहिए होगा दोस्तों। तो ये माफिया है ना, सीड माफिया, फीड माफिया क्या करती है, उनके पास जो फीड है वो मैक्सिमम बेचने की कोशिश करती है। अगर वो हम 600-700 केजी का लाएंगे झींगा, सूखा हुआ झींगा लाएंगे तो कितना कास्ट बढ़ जाएगा प्रोडक्शन का, आप सोचिए। मैंने जो विधि बताई आपको, मार्केट से सस्ते में, सस्ता नहीं, ज़ीरो दोस्तों, मछली की मार्केट से आपको ज़ीरो में कैसे लाना है फीड, मैंने वो बताया आपको, ठीक है। वो प्रीवियस वीडियो देखिए न्यू सब्सक्राइबर्स भाइयों के लिए, और पॉन्ड कल्चर में और कितने हज़ार का डालना है, ठीक है, उसका भी डिटेल दिया है। केज कल्चर में आप कम से कम जगह लीजिए, अगर आपकी ज़ीरो साइज मछली है तो 1,000-2,000-3,000 भी रख सकते हैं, 2-3-4-5 गज में भी, ठीक है। उसके बाद में एक महीने के बाद में फिर से डिवाइड कीजिए, 4-5 की जगह 10 गज ले लीजिए, फिर से 2 महीने के बाद में उसको इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है दोस्तों, 10-10 गज के बाद फिर से 20 गज को जाइए, वैसे बढ़ाते हुए जाइए दोस्तों, ठीक है। एक एरिया में ना छोटा है तो मछली फ्रीली मूव होगी, ठीक है, वो छोटे से एरिया में अगर एक महीने तक भी रखेंगे तो उसको दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा 0-20-30-40-50 ग्राम्स तक एक ही टैंक में रखा था, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ, ठीक है। जो जॉबलेस पीपल है उनके लिए मैं फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो भी इतने सारे डिटेल्स नहीं मिलेंगे दोस्तों, और भी आने वाले वीडियोस में हम कैसे मरल को, मरल से हम सीड जनरेट कर सकते हैं, और एक मरल से मैक्सिमम 10,000 भी कभी कभी चांसेस है, 10,000 बच्चा भी निकलता है दोस्तों, 10,000 लार्वा, ठीक है, कभी कभी वर्ष सिनारी में 1,000 बच्चा भी निकलता है। 1,000 बच्चे को आप बाहर पे 1 रुपये से ज़्यादा अगर कोई बेचता है तो ना लाइएगा, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से 1 रुपये से ज़्यादा ना लाइएगा, फिशरी डिपार्टमेंट भी यही कहती है, और साइंटिस्ट जो रहते हैं ना मरल के साइंटिस्ट वो भी यही कहते हैं। उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लास्ट वाले वीडियो में भी, ठीक है दोस्तों। और मरल का नेचुरल ब्रीडिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, और आने वाले वीडियोज़ में मरल का आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी कैसे करते हैं हार्मोन इंजेक्शन से, ठीक है, वो भी बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर कहीं पे 1 रुपये मिल रहा है तो ले लीजिए, अगर 1 रुपये से सस्ते में मिलता है 50 पैसे में भी ले लीजिए। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ओन जनरेट करने की कोशिश कीजिए, सीड को प्रोड्यूस करने की दोस्तों। आप सीड को ओन प्रोड्यूस करेंगे तो नेक्स्ट लेवल में आपको सीड का कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ग्रेडिंग पे कॉन्सनट्रेट कीजिएगा और वाटर क्वालिटी में कॉन्सनट्रेट कीजिएगा। आशा करता हूँ मैं सारे डिटेल्स आपको दे पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और अननोन पर्सन जो भी रहते हैं, जॉबलेस पीपल, उनको आप बताइएगा दोस्तों। आप मेरे लिए पहले अननोन थे, आप कौन थे मुझे पता नहीं था, फिर भी मैं आपको फ्री में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि प्रोडक्शन कास्ट कम हो, जो बेरोज़गार है उनको कुछ रोज़गारी मिल सके, प्रोडक्शन कास्ट कम हो के मिडिल से और लोअर मिडिल क्लास भी खा सके मछली को, मरल को, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप भी यही काम करें। अगर आपके पास जो नॉलेज मेरी ओर से आई है वो उसको फिर से छुपा के रखेंगे तो फिर से हमारी कंट्री फिर से पीछे जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ाइएगा, फ्री में आगे बढ़ाइएगा, मैंने आपसे फ्री में शेयर कर रहा हूँ तो आप भी फ्री में आगे बढ़ाइएगा, ये नॉलेज को शेयर करिएगा, या फिर मेरे वीडियो को, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप शेयर करना ना चाहते तो मेरे वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। मेरी आशा यही है कि मैक्सिमम कम से कम मैं 100 रुपीज़ के जी में मरल को बेचें मार्केट में। आज मार्केट का वैल्यू है 400-500 रिटेल में, और होलसेल में लेंगे तो 300 है दोस्तों, हमारी साउथ की बात कर रहा हूँ मरल की, ठीक है, 300 होलसेल है। तो तब तक बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।